नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। इसमें हम पहले सिंगुलर यानी एक वचन की परिभाषा यानी डेफिनेशन हम समझेंगे। इट मीन्स वन पर्सन, वन एनिमल, वन थिंग्स। मतलब यह किसको रिप्रेजेंट करती है? एक आदमी को, एक पशु को या फिर एक वस्तु को। इट गिव्स द आइडिया ऑफ वन। यह हमें एक होने का विचार देती है किसी भी एक वस्तु का। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे गर्ल यानी सिंगल एक लड़की, टाइगर चीता, डेस्क यानी बेंच। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जो एक से ज्यादा को हमें रिप्रेजेंट करता है। इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, वन एनिमल, वन थिंग। यह हमें एक से ज्यादा आदमियों के बारे में, एक से ज्यादा पशुओं के, एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में रेफर करता है। इट गिव्स द आइडिया, यह हमें आइडिया देता है यानी विचार देता है मोर देन वन नंबर्स, एक से ज्यादा नंबर्स के बारे में, जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो। एग्जाम्पल गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे सिंगल गर्ल थी, एक लड़की थी, गर्ल्स मतलब एक से ज्यादा लड़कियां। टाइगर्स, डेस्क। नेक्स्ट, वी कैन चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब हम अपने सिंगुलर यानी एक वचन को बहुवचन में चेंज यानी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल बॉय प्लस एस, बॉयज। ये एक लड़का है, उसके साथ हमने एस जोड़ दिया है तो वो मिलकर बन गया है बॉयज यानी एक से ज्यादा लड़के। लॉयन प्लस एस, लॉयंस। बेल प्लस एस, बेल्स। नेक्स्ट, सम सिंगुलर एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच एंड एस एच फ्रॉम देयर प्लूरल बाय द एडिशन ऑफ ई एस। यानी कुछ सिंगुलर यानी कुछ एक वचन के अंत में एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच वर्ड्स ये लिखे होंगे, वहां पे हम लास्ट में जोड़ेंगे ई एस को। सम सिंगुलर विच विद ओ एंडिंग ऑल्सो फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस एट द एंड। कुछ सिंगुलर यानी कुछ एक वचन ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ओ लिखा होगा, उनको भी हम ई एस के साथ ऐड करके लिखेंगे। एग्जाम्पल गैस प्लस ई एस, गैसेस। बॉक्स प्लस ई एस, बॉक्सेस। बस प्लस ई एस, बसेस। पोटैटो प्लस ई एस, पोटैटोज। चर्च प्लस ई एस, चर्चेस। नेक्स्ट, सम सिंगुलर एंड विद वाई चेंज इनटू प्लूरल्स बाय डिलीटिंग वाई एंड एडिंग आई एस एट द एंड। मीन्स कुछ एकवचन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में वाई लिखा होता है, उन प्लूरल्स को चेंज किया जाता है वाई को डिलीट करने के बाद और उसमें आई ई एस एड करने के बाद। जैसे बेबी, बेबी में हम यहाँ पे वाई को डिलीट करके आई ई एस इसमें प्लस करेंगे तो बन जाएगा बेबीज। नेक्स्ट, लेडी, लेडी में भी हम वाई को डिलीट कर देंगे और उसमें आई ई एस एड करेंगे तो बन जाएगा लेडीज। नेक्स्ट, सम सिंगुलर एंड विद एफ विल टेक वी ई एस आफ्टर डिलीटिंग एफ फ्रॉम देयर प्लूरल्स। कुछ एक वचन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एफ, एफ आता है, जिसको जिसकी जगह हम वी ई एस लेंगे, किसको, एफ को डिलीट करने के बाद। एग्जाम्पल लीफ प्लस वी ई एस, लीफ होता है पत्ता, लीफ में हम एफ को डिलीट कर देंगे और ये बन जाएगा लीव्स यानी पत्तियां। बी में काल्फ प्लस वी ई एस, काल्व्स यानी बछड़े, काल्फ होता है गाय का बछड़ा।